अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एवे को जी असी आ गए हैं पीपल्स कॉलोनी में फेयर पॉलर। हम लोग ना शुरू से बस यहीं जाते हैं, यहीं से काम करवा के सेटिस्फाई होते हैं। इतने अच्छे तरीके से ये लोग काम करती हैं, इतना ज़बरदस्त पॉलर है। मैं ना अपनी अम्मी के साथ भी यहीं पर जाती थी, मतलब जब मैं कॉलेज गोइंग हुई थी तब जनाब पॉलर जाना शुरू हुई थी। और पॉलर सिर्फ हेयर डाई के लिए जाना होता था, क्योंकि मुझे कलर जो हेयर्स होते हैं ना बड़े अच्छे लगते थे। हर 3-4 महीने बाद वही कलर चेंज कराना, कभी स्ट्रिकिंग करा लेनी, कभी हाइलाइट्स करा लेने, बस ऐसे ही काम करने। इतने माशाल्लाह इन्होंने जो लुक तैयार की थी हुई थी, 3-4 पार्टी मेकअप संते आयशा दे के बहुत खुश हो रही थी। ते बस हूँ वापसी ते सी शवार में ले आए, क्योंकि खाने में मैंने भी कुछ बनाया नहीं था। असर के बाद हम लोग उस पॉलर गए थे जहाँ मैंने पहले मतलब लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था ना, वहाँ पॉलर गए, लेकिन वहाँ से हमने कुछ नहीं करवाया। तो आके जब मैंने यासिर को कॉल की कि यासिर आप जल्दी आ जाइएगा, मैंने ना पॉलर जाना है, वहीं पीपल्स कॉलोनी जाना है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें। यासिर कहते हैं ठीक है, मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं तो फौरन चले जाते हैं। मतलब मैं अभी घर आ जाता हूँ क्योंकि मैंने इशा टाइम फिर जाना ना किसी काम से। तो बस फिर यासिर आया, यासिर नमाज शमाज पढ़ी, खाना वाना मैं कुछ बनाया नहीं सी। तो यासिर कहते हैं हम लोग शवार में ले आएंगे, चलो आओ बस आप अपना काम करवाओ। तो ऐ वेखो जी शवार में बड़े मजे देने, ये भी पॉलर के साथ ही ना एक शवार में वाला होने का ना नहीं जो मैनू आंदा, बहुत मजे के शवार में होते हैं। हम लोग अक्सर पॉलर में बैठ के बीच शवार में खाते होते, इतने जूसी शवार में होते हैं ना। तो बस डिनर में हमने ये खा लिया था, तो यार थोड़ी जी पेप्सी तो नजर आई है ना भाई, मेरे बच्चिया ने पीनी सी, मैं नहीं पीनी सी। माय डियर सब्सक्राइबर्स, ये पेप्सी मैंने नहीं पीनी थी, बस बच्चों को बहुत ज्यादा क्रेज होता है कोल्ड ड्रिंक्स का, तो कोला नेक्स्ट आई थिंक वहां से मिली नहीं, तो फिर उनके लिए पेप्सी ले ली। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम है, नाश्ता वाश्ता चल रहा है इधर। और ये नाश्ता मैंने यासिर के लिए बनाया था, 2 पराठे बना लिए थे बिल्कुल छोटे छोटे से और इतने मजे के लग रहे थे, लेकिन भाई मैं खाने नहीं सन, एक हफ्ते बाद पराठा खान दी इजाजत है मेरा। मतलब खुद ही अपने आप को नहीं मैं इजाजत दिन दी हुई डेली पराठा खान दी, क्योंकि अगर मैं अपने आप को इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन दे दूँ ना तो फिर मैं डेली पराठा खाने लग जाऊँ, मेनू पसंद बढ़ा जाए। और ये देखें जी, ये इज़ू का नाश्ता है और इसने नाश्ते में खाया था पिज्जा ब्रेड, इसने चीज और गार्लिक पाउडर वगैरह लगा के ना इस तरह से बना लेती थी, इसने खुद ही बनाया था ये। और आयरा को नाश्ते में आज मैंने चूरी बना दी थी, आयरा को ना चूरी बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ दिनों बाद ही कह देती है कि मम्मा मैंने चूरी खानी है, बल्कि इस दफ़ा तो काफ़ी दिन बाद खाई है। मैं खुद ही सोच रही थी लास्ट वीक के आयरा ने मुझे कहा नहीं है कि मम्मा मुझे चूरी बना के दें, जब अतिया आई हुई थी ना तब मैं सोची थी, बल्कि मैं सोची थी कि मैं अतिया को भी बना के देती, उससे भी चूरी पसंद होती है, लेकिन बस सोरे याद ही नहीं रहा, फिर मैं नहीं बनाई। बस नाश्ता वाश्ता कर दे, जोहर का टाइम हो जाता है, मतलब 1:30-2 बज गए थे, नमाज शमाज पड़ी और फिर मैंने कहा चलें अब कपड़े आयरन कर लेते हैं, और कपड़े वही छोटी ईद पर जो लिए हुए थे, मतलब ये देखे ना सेमी कैजुअल आयशा की फ्रॉक है, ये मैंने फिर निकाली, तब तो पहनी नहीं गई, हम लोग कहीं गए ही नहीं ना, बस लाहौर गए थे, मतलब किसी के घर नहीं गए, तो फिर ये कपड़े उसी तरह पड़े हुए थे, तो फिर आयशा ने आज ये शादी पे पहन ली फ्रॉक। और मोहम्मद कासिम की भी शर्ट थी और साथ में शॉर्ट्स, क्योंकि ये पैंट्स तो पहनता नहीं है, वही पैंट आते थे, मैं पैसे ज़ाया करनी है, मतलब सर्दियों में अगर 2-3 लूँ वो एक एक दफ़ा मुश्किल से पहनता है, वो भी कहीं जाना हो तो पहन गया, अदरवाइज ये ट्राउजर्स में रहता है, और गर्मियों में ये शॉर्ट्स पहनता है, मतलब पैंटों पे बड़े ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं, फिर भी 6 महीने बाद फिर एक बारी ले लेनी है कि चलो और पा ले, लेकिन वही नहीं पाता। और ये मेरा सफ़ायर का दुपट्टा है, और ये भी छोटी ईद पे लिए थे कपड़े, और घर में नहीं पहनेंगे तो उन्होंने पता ना हूँ ऑर्गेंजा का दुपट्टा काट लेके तो बैठा नहीं जाता। मतलब घर में मैं सिर्फ प्रिंटेड कपड़े पहनती हूँ, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही एम्ब्रॉयडरी के बगैर मुझे कपड़े पसंद होते हैं, लेकिन आन जाना से लाने पहनते हैं एम्ब्रॉयडर्ड। और भाई मुझे तो इतना मुश्किल लगता है ना गर्मियों में शादी का फंक्शन अटेंड करना, बस मैं पहले सोची पाया नहीं है कि उन पाना किए, क्योंकि फैंसी कपड़े तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, इवन कि दुपट्टा भी सर पे नहीं ओढ़ा जा रहा था, मुझे ना ये चीज़ें चुभती हैं, और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज़्यादा हो तो वो भी चुभती है, तो मैं कोशिश करती हूँ एम्ब्रॉयडरी सिर्फ बॉटम पे और ट्राउज़र के बॉटम पे और शर्ट के बॉटम पे, तो मैं ऐसे सूट ले लेती हूँ कि चले एम्ब्रॉयडरी दूसरों को नज़र आ जाए। हाँ अगर हमने फुल टाइम एसी में रहना हो, मतलब हमारे घर फुल एयर कंडीशन हो, इंशाल्लाह ताला होंगे भाई, अभी मैं अभी की बात कर रही हूँ, मतलब किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहन के किचन में जाना भी बहुत मुश्किल लगता है मुझे। खैर मैं इधर कपड़े आयरन कर रही थी तो इज़ू सॉरी आयशा ये बैग ले आई थी, और साथ में मुझे कह रही थी मम्मा मुझे ना सारे स्नैक्स देते हैं, बिस्किट्स दे दें, मैंने सब बच्चों के लिए लेके जाने, आपको पता है ना ये शादी पे लेके जाती होती है बच्चों के लिए, तो मैंने फिर इसे ये बॉक्सेस इधर रख दिए थे कि आयशा ले लो अपने जो जो लेना, तो बस एक एक चीज़ करके रख रही थी कि ये एक जैनब की है, एक आइजल की है, एक मरियम की है,
एक हसन की है, मतलब सब बच्चों के लिए ना ले रही थी, तो बस ये अपनी पैकिंग कर रही थी और मैं कपड़े आयरन कर रही थी। मतलब इतने सारे अपना अपना काम कर रहे थे, तो तुसी भी वही अपना काम करो, थोड़ा काम पता है ना तुहानू, तुसी की करना। अगर चैनल नू हुण तक सब्सक्राइब नहीं ना कीता ते वही कर लो, बहुत मजा आएगा आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इधर जनाब असी डायरेक्ट पहुंच गए हैं शादी वाले कार, मतलब वहाँ होटल में पहले जाते होंगे सर कभी शादी वाले घर हो, उनकी मेहंदियाँ शेंदियाँ होंदिया ने शादी वाले घर, मतलब मेहंदी घर में ही थी, हालांकि इनवाइट किया हुआ था मेहंदी पे भी, लेकिन भाई ना मैं मेहंदी पे गई हूँ और बारात पे भी इसलिए नहीं गई, वो सियालकोट जानी थी, तो बस भाई गर्मी का सोच सोच के मैं गया नहीं, मैं नहीं जाना, मैंने हाला को कह दिया था मेहंदी पे जब उनकी कॉल आई थी ना, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मेहंदी और बारात पे हम नहीं आएंगे, तो कह रही थी क्यों नहीं आना, आओ आप, मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है नहीं आया जाएगा। ये देखे जी सब बच्चे हैं माशाल्लाह, सब हम लोग इधर बैठे हुए हैं गपशप कर रहे हैं। हाँ फ़ोन फिर मेरी भाभी ने पकड़ लिया था कि लाएँ आप ही, आपकी भी वीडियो बनाती हैं, और जो मैंने यूट्यूब पे पहले शॉर्ट भी लगाया वो भी मेरी भाभी ने ही मेरी वीडियो बनाई थी, और यहाँ भी वही वीडियो बना रही है मेरी छोटी वाली भाभी और बड़ी वाली भाभी साथ बैठी हुई थी, मतलब दो ही भाभियों के नाल मैं बैठी हुई सब, बाकी मेरी बहनें शादी पर इन्वाइटेड नहीं थी और मेरे बच्चे भी इन्वाइटेड नहीं थे, मतलब आयराइजा भी इन्वाइटेड नहीं थी, बस मोहम्मद कासिम और आयशा मेरे साथ गए थे। ये देखें जी ये मेरी भाभी का हैंड है माशाल्लाह, वो दिखा रही थी कैमरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और है देखो जी मेरे हाथों फूल फड़ा छड़े हुए सन, आयशा लोगों ने, आयशा जैनब और मरियम ने कि आपने फूल पकड़ के बैठे रहना, पहले तो मैं लेके बैठी रही जो, तो फिर खाना लग गया तो मैं क्यों उन्हें खाना तो खाना है ना कि थोड़े फूल फड़ के मैं बैठे रहना। तो ये देखें जी थोड़ी सी पिक्स थी दूल्हा दुल्हन की, मैं कहा चलिए भी थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, सारी बात है फेस तो मैं शेयर कर नहीं सकती हूँ, तो उन यहाँ खाना लग गया सी तो बस उस खाना वाना खाता। बैठो बैठो जी जनाब, बस आज की यही थी छोटी सी वीडियो शादी पे, बस इतनी सी वीडियो बनाई थी, बच्चे साथ नहीं थे शायद इस वजह से, आयरिस नहीं थे साथ इस वजह से नहीं बना सके, नहीं तो शायद वो और भी क्लिप्स बना लेती, मेरे को भैया नहीं बंद थे, भाभी ने भी एक दो क्लिप्स बना दिए थे, लेकिन उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों नाल मावा का की ख्याल होंगे, छोटे छोटे बच्चों की मावा नहीं बताऊँ भाई। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।